नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो रोज की तरह आज भी हमारा जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए कि आखिर इन प्रश्न में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि टीजीटी पीजीटी और नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि कल से मैं अपने पैटर्न को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक चलने वाला है। और सुबह की बैच में हम आपको बता दें, क्लास सुबह होगी होने वाली है, और सुबह की क्लास में एसएससी, बैंक, रेलवे, वन डे एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी होने वाली है और वो हिंदी मीडियम से वो होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न, उसको भी देख लिया जाए। देखिए, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्त, ये रहा है आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए जरा, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, इसमें एक वर्गीकरण की एक आधारभूत इकाई पूछ रहा है, यानी बेसिक यूनिट वर्गीकरण की आधारभूत इकाई पूछ रहा है। समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है कि वर्गीकरण की जो इकाई है वह क्या है। देखिए, जब आप वर्गीकरण करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ और आप उसे ध्यान रखिएगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि आखिर क्लासिफिकेशन में कौन सा क्रम से जो सीक्वेंस है किस क्रम में आता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक किंग था, किंग राजा, एक राजा होता है और अपनी फाइल लेकर, राजा अपनी फाइल, देखिए हम आपको बता दें, जैसे मान लिया कि ये हमारे पास ही हमारी फाइल है, ठीक है, ऐसे राजा एक होता है और अपनी फाइल लेकर क्लास में आता है। कहाँ? हमारी क्लास में आता है। एक किंग अपनी फाइल लेकर हमारी क्लास में आता है और आप सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि अपनी फैमिली को जीएस जरूर पढ़ाना। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि एक किंग होता है, क्या होता है दोस्त, एक किंग होता है और कहाँ वो फाइल लेता है, फाइल लेकर कहाँ आता है, क्लास में आता है और ऑर्डर देता है, क्या देता है, ऑर्डर, आदेश देता है कि अपनी फैमिली को पढ़ाओ जीएस, क्या पढ़ाओ, जीएस पढ़ाओ, ऐसा कहता है। अब देखिए, किंग का मतलब किंगडम, ठीक है, किंगडम, और फाइल लेके आता है, फाइल का मतलब फाइलम, और क्लास में आता है तो क्लास है ही, ऑर्डर देता है तो ऑर्डर है ही, और फैमिली को जी का मतलब क्या, जीनस, और यस का मतलब स्पीसीज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस बिल्कुल बन गया कि किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद क्या, जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। बिल्कुल, इसकी सबसे छोटी जो इकाई है आप देख रहे हैं, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है, स्पीसीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले ही उत्तर बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्पीसीज कह रखा है, जीनस कह रखा है, ऑर्डर कह रखा है और फाइलम कह रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्पीसीज। उम्मीद करता हूं कि आप यह ट्रिक नहीं भूलेंगे, राजा की कहानी को नहीं भूलना कि किंग था, फाइल लेकर क्लास में आया और ऑर्डर दिया हम सभी को कि अपनी फैमिली को जीएस जरूर पढ़ाना, ठीक है। चलिए, आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील जो धानी होती है, रिक्तिका होती है, इन प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन में जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, प्राइमरली सर्वफार, मतलब किसके लिए होती है, प्रोटोजोआ में जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है उसका फंक्शन क्या है, बिल्कुल आप लोग बताएं, ठीक है, क्या होता है। और आप देख रहे हैं कि यह कितनी बार पूछा गया है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पर जो प्रश्न बनाया गया है बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक है। देखिए जरा, इसमें क्या पूछा है, कह रहा है कि वह एक्सक्रीशन के लिए होती है, कि वाटर सर्कुलेशन के लिए होती है, कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती है, कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के जो कमेंट हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा उत्तर है, ठीक है, हाँ यही बिल्कुल। कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी नंबर, ऑस्मो रेगुलेशन इज द राइट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी नंबर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में
देखिए कह रहा है कि द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआइज। अब कह रहा है जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। ऐसा कह रहा है कि प्रोटोजोआ में आप जानते हैं कि यूगलिना, पैरामीसियम, अमीबा, जितना भी है मोनोसिस्टिस, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्रोटोजोआ में जो वर्गीकरण का आधार है वह क्या है। देखिए कई लोगों का इसमें मैंने देखा कि पिछले जो वीडियो थे उसमें कमेंट जो आ रहे थे कह रहे थे कि सर चारों ऑप्शन पे आप चर्चा करें, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करें। तो हम देखते हैं कि हम कितने कम समय में कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दें आपको। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक लेक्चर जरूर प्रोवाइड करता हूं और हमारे कई वीडियो पड़े भी हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने में चारों ऑप्शन में काफी टाइम हो जाता है। फिलहाल अगर ऐसी आपकी सुझाव है तो ऐसा भी होगा, बहुत जल्द ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो बिल्कुल करीब ही अब आ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण का आधार है क्या है। देखिए आप जानते हैं कि क्या है, युगलिना है इसमें युगलिना, और जैसे आप जानते हैं कि पैरामीशियम भी है। क्या है दोस्त, इसमें पैरामीशियम भी है। ये सब सीलिया उलिया होते हैं इसमें। ठीक है, सीलिया और इसमें ये होती हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और इसके बाद इसमें अमीबा, ये गोचू मुचू टाइप का। ठीक है, अमीबा भी होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। तो इसमें स्यूडोपोडिया होता है, और इसमें क्या होता है, फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला, और इसमें क्या है, सीलिया। क्या है, सीलिया। अब ऐसा समझिए, इसमें कह रहा है इसका मेन बेसिस क्या है, मुख्य आधार क्या है। कह रहा साइज है, साइज तो आधार नहीं। कह रहा शेप है कि लोकोमोटरी डिवाइस है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। क्या है इसका जो मुख्य आधार है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसका जो आधार है वह क्या, लोकोमोटरी आर्गन या लोकोमोटरी डिवाइस। देखिए क्यों, क्योंकि युगलिना जो है इसमें लोकोमोटरी आर्गन है, फ्लैजेला। देखिए आप अपनी बाल पे जाइए, इस हेयर पे जाइए, आपके जो सर है जो छोटे छोटे से हैं, इसे आप कह दीजिए सीलिया। जैसे हमारे रोए हैं, ये सब क्या है, सीलिया है, और सीलिया की संख्या सबसे ज्यादा है। और हमारे जो यहां पर चुंदई होती है, ये देख रहे हैं आप, यहां पर एक बड़ा सा होता है एंटीना जो निकलता है, तो इसमें संख्या कम होती है, बाल के बड़े बड़े होते हैं, तो कह दीजिए फ्लैजेला है। और सदैव फ्लैजेला की कम संख्या कम होती है, क्योंकि चुंदई वाले बाल की संख्या कम नहीं होती है। तो ये फ्लैजेला और ये सीलिया, सीलिया संख्या में ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं, फ्लैजेला संख्या में कम और बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें स्यूडोपोडिया, इसका जो मुख्य है, जो इसका उत्तर है वह क्या है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले चौथे प्रश्न पर हम चलते हैं। चौथा प्रश्न, अभी देखिए चार ही प्रश्न पर 7 मिनट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए चौथा, अमीबा एक्सक्रीट्स बाई, जो अमीबा होता है वह जो सर्जी अंग होता है उसका क्या, किसके सहायता से वह एक्सक्रीट करता है अमीबा। अभी मैंने बताया आपको कि युगलिना ठीक है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, पैरामीशियम और क्या, अमीबा। तो किसकी सहायता से कह रहा है एक्सक्रीट करता है, तो आप जानते हैं इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, समझ रहे हैं क्या होती, कौन सी मेम्ब्रेन कह रहा है, हाइलाइन कैप के द्वारा होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है, प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वह है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इसका जो बाहरी ये मेम्ब्रेन्स होती है प्लाज्मा लेमा के द्वारा ही एक्सक्रीट कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 5, अब ये कह रहा है इग्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट आकरिन। कह रहा है कि मलेरिया पैरासाइट का जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है वह कहां होती है, कहां होती है, ऐसा यह कह रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहा है, कह रहा ब्रेन ऑफ मैन के ब्रेन में तो नहीं होगा, कह रहा स्टोमक ऑफ मॉस्किटो और ल्यूकोसाइट्स और लिवर ऑफ मैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका फटाफट आंसर आप लोग बताइए, इसका जो आंसर है वह क्या होगा 5 नंबर का। ठीक है, आप देखिए जब भी आप प्लाज्मोडियम की स्टेज आप पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम की जो अवस्था होती है कि पीएफ पीएम और पीवी, ठीक है, पीओ, ठीक है, ये हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाए, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, आप जानते हैं, तो ये जो इरिथ्रोसिटिक जो स्टेज होती है कहां होती, लिवर ऑफ मैन, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल इसका डी ही सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम।
ठीक है, जो क्रोटन मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम की किस स्पीसीज के द्वारा होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है मलेरियाई के द्वारा कि वाईवैक्स के द्वारा, फैल्सीपेरम की ओवेल किसके द्वारा होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के आंसर जो है गलत जा रहे हैं। देखिए इसका क्या है, इसका राइट आंसर है मलेरियाई, ठीक है, मलेरियाई इज द राइट आंसर, ए इसका सही विकल्प है। देखिए अगर नहीं याद हो रहा है तो हमेशा आप समझिएगा, क्यों मां पूछ लिया आपने मलेरिया हुआ, क्यों मां मलेरिया हुआ क्या, ठीक है। अब क्यों या आप यहां समझिए मां, ठीक है, क्यों मां क्वार्टन मलेरियाई, देखिए जब कभी आए तो क्वार्टन मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरियाई के द्वारा होता है, ठीक है, मलेरियाई के द्वारा होता है, ठीक है। या क्यों माला, क्यों माल, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप याद करिए, लेकिन याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कालाजार कास्ट बाय कालाजार किसके कारण होता है, और यह भी बौछार लग गई है। पीसीएस तक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, नीट में, समझ रहे, हर जगह आया है। कालाजार कास्ट बाय किसके कारण होता है, कालाजार प्लाज्मोडियम वाईवैक्स लिस्मानिया डोनोवानी ट्रिपैनोसोमा गैबियंस और बाउचेरिया बैंक्राफ्टी, तो फाइलेरिया हो गया, और ट्रिपैनोसोमा गैबियंस स्लीपिंग सिकनेस और लिस्मानिया डोनोवानी प्लाज्मोडियम वाईवैक्स मलेरिया है, तो बचा ही आप। देखिए काला को काली कर दीजिए, काला को क्या कर दीजिए, काली, ठीक है, काला को क्या कर देंगे, हमेशा काली याद करिए, काली मामी एक आता है खाने के लिए, समझ रहे हैं बच्चे बहुत खाते हैं काली मामी, तो ये काला अजार जब आ जाए तो काला को काली समझिए, या देखिए जैसे भी मैंने बताया था क्यों मां वैसे काला, काला को आप काली कर दीजिए, तो काला अजार किसके कारण होता है, लिस्मानिया के कारण, किसके किसके कारण, काला अजार लिस्मानिया डोनो वानी, का से काला अजार, ली से लिस्मानिया डोनो वानी, ठीक है, काला को काली करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है विच आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, कौन इसमें से रेडियली सिमेट्रिकल है, अरे सममिति किन जंतुओं में होता है, अरे सममिति, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर है बिल्कुल फटाफट आप लोग करते रहिए, फटाफट आप लोग करते रहिए, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ठीक है, विच आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। देखिए सिलेंट्रेटा कह रहा है और इकाइनोडर्मेटा कह रहा है, ठीक है, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा में आपने ओबिलिया और एलिया ये सभी पढ़ा था, हाइड्रावाइड्रा, समझ रहे हैं, हाइड्रावाइड्रा भी पढ़ा था इसमें, किसमें, इसमें सिलेंट्रेटा में, ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा में बिल्कुल आपने पेंटासिरास, ठीक है, क्या पेंटासिरास आपने देखा था। तो रेडियली सिमेट्री मतलब किसी भी समीप से काटिए दो भागों में, बराबर भागों में क्या हो जाए, बट जाए, तो किसमें पाया जाता है भाई, मोलस्का में तो नहीं होता है, ठीक है, घोंघा घोंगी में, तो इसका जो राइट आंसर सिलेंट्रेटा में भी होता है इकाइनोडर्मेटा, इसको भी आप काटेंगे यहां से, जब इसका छतरी देखेंगे एकदम सामने से तो दिखता है, समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दीज, इसमें से दोनों ए और बी, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं, बिल्कुल देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज बायोलुमिनेसेंट, ठीक है, इनमें से कौन बायोलुमिनेसेंट का रूप दिखाता है, बायोलुमिनेसेंट कौन है, बायोलुमिनेसेंट मतलब जो लुप दुप नहीं करता है, बत्ती होती है एक, तो जो पहले आपने खुराफात किया होगा, कुछ लेजर वजर लेकर के इसे मारते नहीं, चमकता है, आजकल तो आप बहुत लोग लगा दिए हैं, कहीं चलते हैं जैसे जुगनू चमकता है, समझ रहे हैं, वैसे कुछ जीव होते हैं जो चमक उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल। तो कह रहा है बायोलुमिनेसेंट कौन इसमें करता है, कह रहा कटल फिश कि फाइसेलिया कि जेली फिश कि आलाप दीज, बताइए, फंस गए हो का भैया, बताइए इसका जो आंसर है वह क्या होगा। आज तो बिल्कुल हम कहेंगे ही नहीं कि आप शेयर करो या लाइक करो, कुछ भी करो, क्योंकि दिल टूट गया है, दिल फूट गया है, समझ रहे हैं कि, क्योंकि आज थोड़ा सा दुख है, क्योंकि कल का जो परफॉर्मेंस था आप लोग उतना अच्छा नहीं दिखा पाए थे, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आज हम भी निराश टाइप के हैं, अपना दिल भी थोड़ा सा, हमारे पास भी तो दिल है, 14 तो नहीं है, 61 है, निराश कौन होगा भाई, 61 तो होगा, फूटेगा कौन, 61 तो फूटेगा, क्रैक हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो जैसा आप लोग समझें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बायोलुमिनेसेंट किस कौन प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर क्या है, जेली फिश, सी, सी इज द राइट आंसर, जेली फिश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ, मतलब लार्वा स्टेज सिस्टिसर्कस लार्वा किसका है,
ठीक है, ऐसा कह रहा है सिस्टी सर्कस लार्वा किसका है, ये भी सकल ये देखते जाइए, समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखा इतना समझिए, ये टीजीटी पीजीटी और नीट की दृष्टिकोण तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है टीजीटी पीजीटी और नीट हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप, कह रहा लीवर फ्लूक है कि पिन वर्म है कि राउंड वर्म है कि टेप वर्म है, टेप वर्म, ठीक है, सिस्टी सर्कस लार्वा, ठीक है, सिस्टी सर्कस लार्वा किसका लार्वा है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसका लार्वा किसका लार्वा है, ये लीवर फ्लूक का तो नहीं है, समझ रहे हैं, पिनवर्म, कुछ लोग गुचमुचा जा रहे हैं, अंड बंड लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, संड लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, टेप वर्म, टीनिया सोलियम, क्या है, टेप वर्म, टेप वर्म, टेप वर्म, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, वह हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, इतना मार बार बार आ चुका है, आपको जो घिसा पीटा है इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, जैसे कहते ना इतनी गोलियां मारूंगा कि गोली बिनने वाले जो है, खोखा बिनने वाले जो है बड़े क्या हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी कह रहा है इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, जो हल कर दिया राजा हो गया, भैया हल करोगे तभी तो पास होंगे, समझ रहे हैं। कह रहा है कौन सा ऐसा पैरासाइट है, परजीवी है, जो इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें नहीं होता है, कह रहा है। अब कहेंगे आप, कहेंगे देखिए फैसियोला है, टीनिया है और प्लाज्मोडियम बार बार आया है, और ये क्या हिस्केरिस है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बहुत ही अच्छा, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा है। देखिए बार बार जो इस चैनल पर सक्रिय रहने वाले लोग हैं उनका नाम हम आप लोगों को बता दें एक बार कि उनमें उनमें नाम हैं, जैसे अभिषेक सिंह हैं, आशा यादव हैं, पूजा पटेल हैं, रिंकी कुशवाहा और संगीता यादव, और व्योमेश सर तो बिल्कुल कमाल ही करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं भाई व्योमेश सर, और संजय पटेल जी हैं, और प्रीति अनुरागी, प्रीति अनुरागी आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और सूरज कोटारिया, सूरज कोटारिया आपका भी सपोर्ट रहता है भाई, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका दिया कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, आपने कहा ऐसा, ऐसा का मतलब एस्केरिस, एस्केरिस इज द राइट आंसर, ठीक है, एस्केरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है मेटामेरिज में इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, ठीक है, मेटामेरिक जो है एक किस फाइलम का महत्वपूर्ण करेक्टर है, मेटामेरिक कि मेटामेरिज्म किस फाइलम का करेक्टर है ऐसा कह रहा है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, मेटामेरिज्म कह रहा है पोरीफेरा का करेक्टर है कि प्लेटी हेलमेंथीज का है, नीलिडा का है कि मोलस्का का है। आप आज देखिए, अब बिल्कुल भूलेगा नहीं, अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, और छूट जाएगा ना तो कंटपियोगो करेंगे, कान की जड़ जड़ मारेंगे, समझ रहे हैं, गिरा गिरा के मारेंगे, लाते लात मारेंगे अगर छूट जाएगा, समझ रहे हैं, छूटना नहीं चाहिए। देखिए कैसे नहीं छूटना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मेटामेरिज में इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, इस किसका जो है करेक्टर है, करा पोरीफेरा प्लेटी हेलमेंथीज एनिलिडा मोलस्का, कुछ लोग गड़बड़िया दे रहे हैं, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा माँ, और नहीं आएगा तो आपकी माँ याद आ जाएगी, हमारी माँ याद आ जाएगी, मेरी भी माँ याद आ गई थी मुझे, सब इसलिए नहीं भूलता हूँ। तो मेटामेरिज में जो होता है किसका करेक्टर है, एस एनिलिडा, एनिलिडा डबल एन एनिलिडा, और एस ए आर्थोपोडा, आर्थोपोडा। अब भूलिएगा नहीं इसको, समझ रहे हैं, मर जाइए ना भूलिए, समझ रहे हैं कि माँ को याद रखिए। अगर ऐसा आ गया कि मेटामेरिज में से मेटामेरिज माँ से माँ, माँ से माँ, समझ रहे हैं, मे से यम से मेटामेरिज में एस एनिलिडा एस आर्थोपोडा दुई में होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन दिया है, पोरीफेरा नहीं होगा, प्लेटी हेलमिंथीज नहीं होगा, दोनों में से कहाँ मिल रहा है, मोलस्का, मोलस्का नहीं है, नहीं है, एनिलिडा हाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं, इसको आप भूलिएगा नहीं दोस्त, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 प्रश्न, समझ रहे हैं, 13 13 13 सुरूर, आपने गाना सुना होगा हिमेश रेशमिया का, समझ रहे हैं, मजेदार गाना है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोल ऑफ टिप्लोसोल, टिप्लोसोल, टाइफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज टू, ठीक है, केचुआ में, केचुआ में जो टिप्लोसोर का जो रोल होता है, भूमिका होती है, वह क्या होता है, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है टाइफाइसोले, टाइफाइल के सोले, समझ रहे हैं, या फाइल सोले, देखिए टाइ टू, समझ रहे हैं, टाइल
फाइल सोले, मतलब फाइल के सोले भैया, फाइल के सोले। और जब इसका देखिए कह रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इमल्सीफाई फूड किल बैक्टीरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब टिफ्लोसोल का काम क्या है, इतने में से कह रहा है केचुआ में जो टिफ्लोसोल पाया जाता है उसका काम क्या है। देखिए फाइल के सोले टाइप, फाइल के सोले इसका मतलब क्या है, जब फाइल के सोएंगे तो इंक्रीज नहीं कर जाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे कम स्थान घेरेंगे, जब फाइल जाएंगे तब पूरा स्थान घेर लेंगे, समझ रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है, इंक्रीज एब्जॉर्बेटिव एरिया, इंक्रीज एब्जॉर्बेटिव एरिया, समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न नंबर 14 करा, हर्ट्स इन अर्थवर्म आकर इन सेगमेंट्स, ठीक है, केचुआ में जो हर्ट होता है, हृदय होता है, दिल होता है, वह कह रहा है किस सेगमेंट पर होता है, ठीक है, हार्ट में दिल किस सेगमेंट्स पर होता है, समझ रहे हैं। किसी को हृदय कहिए ना तो कम समझ में आता है, और दिल कह दीजिए ना तो बहुत जल्दी समझ में आता है, समझ रहे हैं। गाना वाना सुना देंगे कि दिल तोड़ दिया, समझ रहे हैं, फोड़ दिया। तो ऐसा कह रहा है किस सेगमेंट्स पर होता है हार्ट केचुआ में, कह रहा है 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 14, 15, 7, 9, 12, 13 और 9, देखिए 7, 2, 9 और 9, 2, 3, 12 रीजनिंग चलता है जैसे भैया, 2 के बाद 3 प्लस हुआ, अब 12 के बाद फिर 13 आ गया, क्या आ गया, 13 आ गया, समझ रहे हैं। तो 2 + 3 और 13 मतलब 7, 2, 9, 9, 3, 12, अब 12 फिर 13 आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं, 14 का कौन सा उत्तर सही है, सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जो पेरिपेटस होता है वह किसका कनेक्टिंग लिंक है, पेरिपेटस बताइए फटाफट, इसको नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया, इसे भी नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे, मर नहीं पाएंगे और न तो जी पाएंगे, न जीने देगी और न मरने देगी जिंदगी, समझ रहे हैं। अब परीक्षा में ही उलझ जाएंगे, उलझे रहेंगे, जैसे कोरोना उलझा दिया है, समझ रहे हैं। कह रहा है पेरिपेटस किसके बीच की कड़ी है, बताइए किसके बीच की कड़ी है। देखिए हम आपको बता दें फिर से एक बार, जो सपोर्टर हैं अभी मैंने नाम बताया, कुछ लोग और हैं जो सपोर्ट करते हैं हमें, जैसे खुशी अंजुम हैं, शिव भोले जी हैं, समझ रहे हैं, श्रीधर, सोनम वर्मा हैं, पीके केमिस्ट्री, और राजीव कुमार और राकेश कुमार, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, समझ रहे हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अब इसको भी नहीं भूलिएगा, जैसे भी माँ बताया था ना माँ, वैसे आप याद रखिए पा, क्या याद रखेंगे, पा, ठीक है। जैसे मेटामेरिज्म बताया था मैंने माँ, मेटामेरिज्म बताया था कि मेटामेरिज एनालिडा आर्थ्रोपोडम होता है, वैसे पा होता है, मतलब पी से पेरिपेटस, पेरिपेटस किसके किसके बीच की कड़ी है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, देखिए कहाँ है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा भैया, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा इसका सही उत्तर है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग मेल काक्रोचेस फ्रॉम फीमेल, कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो काकरोच तिलचट्टा, समझ रहे हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कह रहा है तिलचट्टे में नर में मादा में कौन डिफरेंट पैदा करता है, जिसको हम देख लें तो जान जाएं कि तिलचट्टा है तिलचट्टाइन है, समझ रहे हैं, उसको हम जान लें, समझ रहे हैं कौन है। तो कह रहा है एनल सरकाई के द्वारा होता है कि ओसली के द्वारा होता है कि एनल स्टाइल होता है कि लॉन्गर एंटीनी होता है, यानी मेल जो है फीमेल से किस प्रकार भिन्न होता है, किसकी उपस्थिति में। अब आपको हम बता दें इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, कई लोग बहुत अच्छा सही उत्तर दे रहे हैं, देखिए कैसे याद होगा है? आपको हम बता रहे हैं, देखिए जब कोनो लड़का आप ही लोग किसी लड़की को, कोनो लड़की किसी लड़के को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, जैसे देखेंगे ना प्यार, 8-10 बार किसी को देखिए ना तो आपका प्यार अंदर से निकलने लगेगा, भागने लगेगा, तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, मुस्कुराएंगे आप, मुस्कुराएंगे तो कहेंगे ये तो लाइन मार रहा है, समझ रहे हैं, स्टाइल मार रहा है। तो आप किसी को देखते हैं तो स्टाइल मारते हैं ना, आजकल लड़के बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, बहुत स्टाइल मारते हैं, समझ रहे हैं कौन लड़के। तो इसी काकरोच में जो मेल होता है उसमें स्टाइल होता है, मतलब नर काकरोच स्टाइल मारता है, समझ रहे हैं, तो उसमें एनल स्टाइल होता है, क्या होता है एनल स्टाइल, और जब स्टाइल मारे और नहीं कुछ काम बनाना है तो दोनों सरक लेते हैं, क्या सरक लेते हैं, मतलब
कोनो दोनों सरक लेते हैं तो एनल सरकाई दोनों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, नर काकरोच में मादा काकरोच दोनों में एनल सरकाई दोनों में होता है, समझ रहे हैं, एनल एनल सरकाई दोनों में होता है, लेकिन एनल स्टाइल मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या है, एनल स्टाइल, समझ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न, देखिए कह रहा है कि हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई कार्पोरा अलाटा इन इंसेक्ट्स, ठीक है, कीटों में जो कार्पोरा अलाटा है वो कौन सा हार्मोन, यानी कार्पोरा अलाटा द्वारा, कीटों में कार्पोरा अलाटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऐसा कह रहा है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिए कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है कि मोल्टिंग हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, बिल्कुल याद तो हम कब ही नहीं करेंगे ना कि आप लोग शेयर करो लाइक करो, नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं, बहुत आप लोग गुस्साएंगे, मार आप लोग गुस्साएंगे, कहेंगे अभी हम थबड़िया देंगे, तो भैया गुस्साइए नहीं आप लोग, समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़िए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, ठीक है, आप इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो मेरे दोस्त, समझ रहे हैं, मैंने कहा कि अगर आपको प्यार मोहब्बत सारे लगाव करने हैं तो केवल अपनी बायोलॉजी से लगाव रखो, क्योंकि आपकी जो जरूर आपकी जो काम आने वाली है वो आपकी बायोलॉजी ही काम आने वाली है। अगर जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके नात रिश्तेदार जितने दोस्त दोस्त हैं सब मुँह इधर उधर किए हैं ना, सब आपकी तरफ मुँह देख लेंगे, कहेंगे हमारा तुमसे प्यार, हमारी तुम्हारी मोहब्बत बहुत पहले से थी लेकिन तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं थे मेरे दोस्त, समझ रहे हैं, इस टाइप का। तो इसका जो उत्तर होगा, हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है कार्पोरा एलाटा द्वारा कीटों में, जुवेनाइल हार्मोन, कौन सा, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, कह रहा है एकडिसोन, एकडाइसोन, एकडाइसोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एकडाइसोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, कह रहा है प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा होता है कि कार्पोरा कार्डियका के द्वारा, कार्पोरा एलाटा के द्वारा, एब्डोमिनल ग्लैंड किसके द्वारा एकडाइसोन प्रोड्यूस होता है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल फटाफट आप लोग करते रहिए, करिए भाई हम भी देखें जरा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, कुछ लोग तो पढ़ने में बहुत ही तेज हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही तेज हैं। इसका जो राइट आंसर है प्रोथोरेसिक ग्लैंड इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इज द सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, 19 नंबर ले प्रश्न नहीं आया, आप क्या करेंगे हो, प्रश्न नहीं आया, मजेदार कमेंट आया, कल का जो प्रश्न हमने दिया था आपको, समझ रहे हैं, कल प्रश्न दिया था, बहुत लोग गलत किए हैं, अपने हिसाब से सही किए हैं, हमसे भी कोई पूछे, दूसरे से भी पूछे तो यही बताएंगे कि भैया तुरंत हमको इमरजेंसी कौन ऊर्जा देता है, तो कहेंगे ग्लूकोज, दौड़ रहे हैं, धावक दौड़ रहा है रेस में, समझ रहे हैं, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जब मुँह तड़ाक गिर जाता है ओके मुँह में ग्लूकोज ला के ठूस देते हैं, कहें लो लो ठूस हो अब तुमको ऊर्जा मिलेगी, लेकिन भैया सेलुलर एक्टिविटी में पूछ लिया था, उसमें सेलुलर एक्टिविटी में, समझ रहे हैं, तो कौन होता है, देखिए जो उत्तर मानेगा भैया आयोग वही तो आप उत्तर लगाओगे, अपनी मर्जी से तो लगा नहीं देंगे, अपनी मर्जी से लगाओगे तभी स्वाद चख लेते हो, समझ रहे हो, कभी कभी आप दूसरों की भी बात मान लिया करें, समझ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर मान रखा है आयोग ने, इसके पहले यह प्रश्न आ भी चुका है, जो इसका उत्तर माना गया है, अब ग्लूकोज पे आप जिद नहीं करिएगा, समझ रहे हैं भाई, अगर जिद करना है आप अपनी बात मानना चाहते हो तो मानिए, लेकिन जो आयोग मानेगा जिससे आपको नंबर मिलेगा हम तो कहेंगे भैया वही करो, समझ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर माना गया है हम आपको बता दें, देखिए लिखते हैं ग्नोसिस द नॉलेज, लिखते हैं देखिए फुल पत्ती, बिल्कुल बहुत ही अच्छा उत्तर लिखते हैं, ये कहते हैं एटीपी इज द राइट आंसर, सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो बड़कई वाली बात हो गई, चढ़ाने वाला पेड़ पे, समझ रहे हैं, हम चढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मजा आ जाता भाई, ऐसा सुनते कौन अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं, समझ रहे हैं, नहीं, फिर लिखते हैं कि आई वॉच योर ओल्ड लेक्चर्स टू, मतलब पुराने लेक्चर को भी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, ले अगला प्रश्न नहीं आया, देखिए आप देखिए दिख रहे हैं ना भाई साहब, प्रणाम आपको, सादर प्रणाम, आप बिल्कुल देखते हैं और आप सभी को सुझाव देते हैं, मैं आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, समझ रहे हैं, आप बायोलॉजी मंत्रा, बायोलॉजी मंत्रा आप क्या लिखते हैं, 21 का जो राइट आंसर है वह है एटीपी, बहुत ही अच्छा, आप इसी तरीके से प्रेरणा स्रोत बने रहें, इन लोगों को बताइए जिन्होंने ग्लूकोज लिखा था, समझ रहे हैं, आप लिखते हैं भाई मजा आ गया था ये कमेंट पढ़ करके मुझे, आप लिखते हैं अब तो पा लेंगे मंजिल, अब तो पा लेंगे मंजिल जब एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी हमारे पास है, एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी हमारे पास है और इसके साथ साथ इतना ज्यादा एनर्जेटिक सर हमारे साथ हैं, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका जो उत्तर है, बहुत ही अच्छा उत्तर है। इसी तरीके से आज भी मैं प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट्स को शामिल कर लिया जाएगा। चलिए अब तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, टाइम ज्यादा हो रहा है। अब लिखता है अगला प्रश्न कि द साइंटिस्ट हु डिकोडेड द लैंग्वेज ऑफ बी, ठीक है, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मधुमक्खी के भाषा को डिकोड किया था। एक्सप्लेन्ड दियर डांस, इसके डांस को, इसके डांस को जो है एक्सप्लेन किया था फॉर कम्युनिकेशन एंड वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर इट्स वाज, इसके लिए यानी उसकी भाषा उसकी डांस को देखकर बताए थे कि इन्होंने उसके लिए उनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कौन है, कह रहा है चार्ल्स डार्विन है, तो नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कल ही पढ़े थे आप। कार्ल वान फ्रिच हैं, विलियम हार्वे हैं, नहीं रुधिर प्रसंचरण है। कार्लस लिनियन है, नहीं टैक्सोनॉमिस है। इसका राइट आंसर क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा आज का, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न भाई, कह रहा है अरिस्टोटल लैटर्न, अरस्तु की लालटेन, अरिस्टोटल लैटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म क्लास, ठीक है, इकाइनोडर्म जो क्लास है उसके जो अरिस्टोटल लैटर्न है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा जो है इकाइनोडर्मेटा का क्लास है, इकाइनोडर्मेटा का कौन सा क्लास है जिसका जो करेक्टर है अरिस्टोटल लैटर्न है, कौन सा है भाई, इसका कौन सा उत्तर हो सही होगा। कह रहा है इकाइनोइडिया, ऑफियोरॉइडिया, अरिस्ट्रॉइडिया, होलोथ्यूरॉइडिया, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का आपके लिए अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है आज, जो आप बिल्कुल आप कमेंट में जा करके अलग से वीडियो को एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, एक अच्छा सा कमेंट अगर आप करते हैं तो आपके भी कमेंट को शामिल कर लिया जाएगा। कहता है अगला प्रश्न, कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पौधों में जो पौधों में जल का मुख्य जो स्रोत होता है, फ्रॉम सॉइल, यानी जो सॉइल से मृदा से पौधों में जो जल आता है, मृदा से पौधे जो जल लेते हैं, कौन सा जल लेते हैं, कह रहा है ग्रेविटेशनल वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कि रेन वाटर है, कि कैपिलरी वाटर है, कौन सा वाटर है, इसका आप आंसर बिल्कुल आप तो अभी तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम आज का नहीं, क्योंकि आपका कमेंट को शामिल करना है अपने अगले लेक्चर में, यहां दिखाना भी है, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त एक बार फिर से देख लीजिए, आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है, इसको देख लीजिए। चलिए आज के हमारे लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।